الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأزواجه وأهل بيته وأولاد رسوله وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي قصة مختصر دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے امداد کن امداد کن اجرن جغم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر شاہ حسن حسین بعد
बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीने पनाह हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन इन्नल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा उची आवाज़ में सारे अस्सलातु वस्सलाम उची उची पढ़ो सारे उची पढ़ो अस्सलातु हुसैन तेरा हिसाब कोई नहीं हुसैन तेरा हिसाब कोई नहीं करीम इतना जवाब कोई नहीं सारे मोहब्बत नाल पढ़ लो हुसैन तेरा हिसाब कोई नहीं हर बंदा बुढ़ा जवान बच्चा सारे पढ़ लो हुसैन तेरा कोई नहीं करीम इतना हिसाब बंदे बोते ने आवाज तोड़ी सारे पढ़ लो वो हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं करीम इतना हिसाब कोई नहीं हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं करीम इतना हिसाब कोई नहीं तू घर दा घर भी लौटा छोड़े दे तू घर दा घर भी लौटा छोड़े नहीं ओ तेरे वरगा नवाब तू घर दा घर भी लौटा छोड़े नहीं ओ तू घर दा घर भी लौटा छोड़े नहीं ओ तेरे वरगा नवाब कोई नहीं तू घर दा घर भी लौटा छोड़े दे ओ तेरे वरगा नवाब हम्द सना दे बाद मेरे निहायत ही वाजिब उल एहतराम वाजिब उल कदर दोस्तों बुजुर्गो नौजवान अजीज साथियों घर दे अंदर और पर्दे अंदर सुनन वालियां मेरी मामा बहना बेटियां अल्लाह रब्बुल इज्जत दा ला तादाद एहसान अजीम है कि जिस खालिके कायनात ने जिस मालिके कायनात ने जिस राज़िक़े कायनात ने मैनू तुहानू एक मरतबा जिंदगी दे अंदर
इकट्ठा होके बह के अपना अपने महबूब का महबूब के घर वालों का जिक्र करन सुनन दा अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा शुक्र है और उस दी बारकाह दे अंदर दुआ है कि खालिक कायनात सानू जुमातुल मुबारक दियां इन अजीम घड़ियां दे अंदर अल्लाह सानू पाकां दा जिक्र करके खुद भी जहर बातन नु पाक रख नु करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हजरात मुहर्रम उल हराम दा महीना अलविदाई लम्हें दे अंदर है। अलविदाई वक्त दे अंदर है। एक बात याद रखना, इस्लामी साल शुरू होवे उदों भी कुर्बानी है, इस्लामी साल खत्म होवे उदों भी कुर्बानी है। जिस बंदे चुप करके बहना वह बंदा मूँह थले कर रहे, मैनू ये तो पता होवे ना ये बंदा हुजूर अली सलाम का जिक्र करन तो मजबूर है, ये नहीं कर सकता। जिन्हें करना उच्ची आवाज ना मुंह तां रखो तो जनाब मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह तुहाडी जिंदगी च बरकत अता फरमाए। इस्लामी साल खत्म होवे फिर भी कुर्बानी शुरू होवे फिर भी कुर्बानी, लेकिन जिन्ना ते इस्लामी साल खत्म होया वह भी नबी दी आल, जिन्ना ते इस्लामी साल शुरू होया वह भी नबी दी आल। समझ आ रही है ना? अगर असी दूजे जुमले च पढ़िए जिन्ना ते इस्लामी साल खत्म होया उहने मीना वाले जिन्ना ते इस्लामी साल शुरू होया उहने करबला वाले। अगर मीना वालियां ते दरूद ना पढ़िए नमाज तामी नहीं होंदी, अगर करबला वालियां ते दरूद ना पढ़िए ते नमाज बोलो ते सही, सारे बोलो नमाज तामी। अगर करबला वाले ते दरूद ना पढ़िए नमाज तां भी नहीं होंदी। और मीना वाले जिस वक्त मीना दे अंदर तशरीफ लैके गए कुर्बानी दी वारी आई ते उन्हां अखां दे अगे बन लईयां पट्टियां, ते जिस वक्त करबला वाले की वारी आई ते एक एक करके सारे कुर्बान करते रहे। वारी आई ना मीना वाले की, खालिक कायनात दा कुरान बोलिया, उची बोलो सारे मीना वाले की वारी आई, खालिक कायनात ने फरमाया वकदालिका नूरी इब्राहिम ملكوت السماوات والأرض بالحق وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بالحق
मीना वालिया दीवारी आई खाले के कैनात ने जमीन नु आसमान नु बनाया बना के फिर फरमाया ऐ मीना वालियो इदा नजारा कर लवो इदा नजारा कर लवो। जिस वक्त करबला वालिया दीवारी आई मेरे रब्बे कैनात ने फरमाया अलम तर अन्न अल्लाह खलक السماوات والأرض بالحق दीवारी अल्लाह करीम ने फरमाया असा बनाया पहला है फिर वखाया है। करबला वालिया दीवारी आई रब्बे कैनात ने फरमाया जदों असा जमीन आसमान नु बना रहे हैं असा ही अपने महबूब के सामने जमीन आसमान नु बनाया है। रब आखिया मेरे आ महबूबा दस दिन के हो जिया सजावना है और जिदा मेरे महबूब दा जी चावे असायों से तराई बनावना है। كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض फरमाया असा पहले जमीन आसमान नु बनाया फिर विखाया इब्राहिम पाक नु फरमाया नजारा कर लवो देख लवो। जिस वक्त वारी आई करबला वाले दी अल्लाह फरमाया अलम तर अन्न अल्लाह खलक السماوات والارض بالحق फरमाया जिस वक्त करबला वाले दी वारी आई असा कौल बिठाया है फिर बनाया है। मैं क्या जिन्हां नु बना के विखाया जावे ओने मीना वाले जिन्हां नु बिठा के बनाया जावे ने करबला वाले। फिर बारी आई मीना वालियां दी रब्बे कैनात दी बारगाह दे अंदर दुआ कर देने वाला तू खुजनी यौम युबासो इब्राहिम पाक दुआ मंगदे ने ऐ मेरे करीम अल्लाह कुछ परोसे कयामत दे अंदर मालिक सानू रुसवा नहीं करना रुसवा नहीं करना अल्लाह साडियां इज्जतां दी लाज रख लैनी ऐ ने मीना वाले जेड़े खुद दुआ मंगदे ने वला तुखजनी आओ मायो बासोन ए मीना वाले आप पे दुआ कर दिने अल्लाह कयामत नु रुसवा नहीं करना। करबला वाले आंदी वारी आई अल्लाह फरमा रहा यौम ला युखज़िल्लाहु नबिया वल्लज़ीन आमनो माहु कयामत नु रुसवा नहीं करना। ओ मीना वाले ने जिन्हां नु अल्लाह खुद फरमावे ऐ सोनिया जिन्ना तुहाडी ना लैंदा बोसा लै लिया असीं ओनों वी रुसवा नहीं आण देंगे। करबला वाले ने एक दीवन पिया ते अखां ते बन लिया पट्टियां मीना वाले एक दीवन पिया अखां ते बन लिया पटिया। करबला वाले हिक हिक करके कुर्बान कर गए। मीना वाले नु एक देना पिया ते अखां के पट्टियां बनियां ते मेरे इमामे अली मकाम ने अली असगर भी अल्लाह दी बारगाह च अली अकबर भी और मुहम्मद भी कासिम भी वीर अब्बास भी ते वारी अपनी वारी आई ते फिर अपने आप नूं पिछां तां नहीं ना रखिया अपना आप के कुर्बान करके विखाया। अगली बात बड़ी तवज्जो तलब हुण मैनूं खबर ते सारी हुंदी मैं पिंड होवां ते भावें ना होवां कई बंदे आंदे ने जी वेखो करी साहब ने शहादतां शुरू कीतियां मैं ते आप शहादत पढ़न दा कायल ही नहीं जे मेरी की गल जाती पुछदा ते
मैं तो इस चीज का कायल हाँ उन्हां दी शान इतनी है अल्लाह कुरान च पे बयान कर दिया, अल्लाह कुरान च पे बयान करता है, आका अपनी जुबान दे विचों पे इरशाद कर देने, ते जे वही आप बयान करिए तो वही नहीं मुकदी। लेकिन फिर भी तुहाडे इसरार ते शहादत होंदियां ने, आप नहीं पढ़ते उची बोलो हुण, किसी एक बेड़ी दे पैर रखा करो, दो तो रखने वाला बंदा डुब जाता है, एक पासे रिया करो, फिर बाकी रही कैदो मसाइल की बात, वो उस मैदान च मैं शेर हाँ अलहमदुल्ला। हाँ जी, परेशान ना होया करो, बस तुसी दिल छड जांदे होर गल कोई नहीं, ते वड्डे लोग आंदे ने वड्डे लोगों के दिल वड्डे, वड्डे लोगों के कद वड्डे नहीं होंदे, उन्हां दे दिल वड्डे होंदे। उची उची बोलो सुभान अल्लाह। मीना वाले भी कुरबानी दी, करबला वाले भी कुरबानी दी, अगर मीना वाले कुरबानी दी तो अल्लाह ने कयामत तक वास्ते सुन्नत बना छड़िया, लेकिन करबला वाले दी तो ना दस्या ना कुरान छड़िया जे ना नमाज छड़िया जे, तो यह जे घर बह के फ्री दे फतवे लाते हैं साडे ते या हर तेरे मेरे ते, उन्हें अगे मेरा सवाल है बई ये दस तू नमाजा कि नहीं पढ़ रहा बई, मौलवी एक ना पढ़े मौलवी ने चुक के मीनार से चाड़ देते हैं सारे, जे बस थले तो मीनारे पाकिस्तान से चाड़न भी, इन्हें एक नहीं पढ़ी वह भी बंदा है, शरी मजबूरिया भी होंदिया ने, समझदार बंदे वास्ते इशारा ही काफी है भी तुसी दसो तुसी किनिया पढ़ते जे बाजार चाहते हो, बोल भी नहीं आया फलाने वेले, ते मेरे इमाम दा पैगाम ही मुहर्रम दे विच एवे ओ चलिया, कुट्टन दा नाम मुहर्रम नहीं, अपने आप नु तकलीफ देन दा नाम हुसैनियत नहीं, हुसैनी ओवे जां जिहड़ा कुरान छड्डे ना नमाज दा दामन छड्डे। कुरान दा दामन पकड़न वाला बंदा पक्का हुसैनी है, मैं इंशाल्लाह ओदा ओदी मैं गारंटी देना वा, नमाज पढ़ने वाला भी पक्का हुसैनी है, जिदा नमाज नाल तल्लक नहीं कुरान नाल तल्लक नहीं वो मामा लगदा है, वो आके मैं हुसैनी, मैं हुसैनी है जो नहीं, मेरे इमाम ने अपना सर तन तो जुदा करवाया सजदे दी हालत दे अंदर, कुरान पढ़िया ते नेज़े दी नोक दे उत्ते, अज सानू सीन खलो के घंटा कुरान पढ़ना पवे ना ते सानू पता लग जावे, असा कदी कुरान नहीं पढ़ना, असी अपने घर दो दिन जना बच्चा सदी ना कुरान पढ़ाने वास्ते, असी कदी उहदी खिदमत नहीं कीती, बाद पता गल की होंदी है, मौलवी तनखाह नहीं लैंदा वी, मौलवी दी ऐसे तनखाह च पट्ठे भी पवाया करो मौलवी कोलो, पानी भी लवाया करो मौलवी, तनखाह नहीं जे देंदे, मौलवी दी तनखाह होंदी है इमामत तक ते बच्चों की कुरान की तालीम तक, अपने घर सद के बच्चों को कुरान पढ़वाओ, वो खिदमत ना करो जनाब, फिर आखो जिस मौलवी तनखाह दें तो दिती भी नहीं, तो गल देनी पैगी तो की बनेगा, मैं रब रोटी देता मैं किसी बंदे को नहीं लैके खाँगा, तुम संभाल के रखिया जे मैं तुम अपना आप पाल के विखावगा। हाँ जी, उसी वालों सुभान अल्लाह। मैदान करबला के अंदर जिस वक्त दिन होया ना दसवीं का, कितवीं का जी, दसवीं का, दसवीं का दिन होया, नौवीं दी रात खत्म हुई, नौ मुहर्रम दी रात खत्म हुई। अच्छा जी, एक सवाल है मेरा सारे बंदियां वास्ते, किसे बंदे दा इस गल ते यकीन है कि इमाम हुसैन दा तीन दिन पानी बंद नहीं होया, कि बंदा दस सकदा त्रै दिन इमाम हुसैन दा पानी बंद ना होया होवे, किसे कोल सबूत है, बोलो तो सही है, हाँ ना तो जवाब दियो ना, डरते क्यों जे पानी बंद हो या त्रै दिन, तो कंड मगर इंज ना आख्या करो कारी मिंबर ते झूठ मार दिया, जे कारी को सबूत लिया हकदार हो तो कारी भी तुहाडे को सबूत मंगन का हकदार है। हाँ जी भाई, जिन्हों यकीन नहीं छक के मेरे को आवे, हजरत जी कितने लिखे त्रै दिन पानी बंद होया, दूजे नंबर से मेरे को आने तो पहला सोच समझ के तारीख सारी चुकनी है, सारी पढ़ के आनी है, उधर जो वेखना इमाम ते त्रै दिन पानी बंद होया कि नहीं होया, त्रै मुहर्रम नु खैमे लगे, कितने मुहर्रम नु, बोलो बोलो उची उची बोलो, कितने मुहर्रम नु, त्रै मुहर्रम नु खैमे लगे करबला दे मैदान च, सत मुहर्रम नु पानी बंद होया, कितने मुहर्रम, सत मुहर्रम नु पानी बंद होया, शहादतां कितने मुहर्रम नु होईयां ने जी, सारे बोलो सारे, दस मुहर्रम नु, कितने नु, दस मुहर्रम नु, मैनू ये दसो दस मुहर्रम शहादत हुई पानी बंद होया, तीन यार
शहादतां दस नूं होईआं ने ना, पानी बंद होया सत नूं, विच कितने दिन आ गए, तीन दिन आ गए। मेरे इमाम ने मेरे करीम आका दे दीन दी खातर कुर्बानियां पेश कीतीआं ने कि नहीं। और अगली बात, अगर जे उन्हां ते पानी बंद होया लेकिन मेरे इमाम अली मकाम ने खबरदार कि बंदा आके पानी मंगिया नहीं, मंगिया पानी हुजूर दे गुलाम गुदे ने हजरत सैयदना आमर बिन कुरैजा रजी अल्लाह ताला अन्हु 110 साल की उम्र हुई आपकी, इतने उची बन गई कितनी 110 साल। बचपन एक दिन आका दी बारगाह चाहे आके अस कहते आका बड़ी प्यास लगी है जो पानी अता करो, आका अज पानी अता करो। हजूर ने फरमाया गुलामा पानी तो कोई नहीं पर आ मुहम्मद की जुबान चूस ले, आके जुबान चूस ले, एक बारी जुबान चूसी, कितनी बारी जी, एक बारी, कितनी बारी। आमर बिन कुरैजा काफ कलम वाला, दो नुक्तियां वाला आमर बिन कुरैजा, हुजूर दा सहाबी है, हुजूर दा गुलाम है, सहाबी आंदे उन्होंने जिन्हें ईमान दी हालत नाल मेरे आका दा दीदार कीता होवे। एक बारी हुजूर ने जुबान चुसवाई, उम्र कितनी हुई 110 साल। ते आप दे बारे लिखन वाले रिवायात दे अंदर लिखे आए 110 साल दे अंदर आपने शिद्दत प्यास शिद्दत गर्मी दे अंदर भी कदी जल्दी पानी नहीं पीता। मैं आख्या जिस सहाबी नू जिस गुलाम नू आका एक बारी जुबान चुसान ओ 110 साल दी उम्र तक भी शिद्दत प्यास शिद्दत गर्मी दे अंदर पानी नहीं मांगदा। जिस हुसैन नू आका सीने ते लिटा के कंधियां ते बिठा के हुजूर ने बार 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 जुबान चुसाई होवे हुसैन पानी मांग नहीं सकता, पंड जरूर सकता है। ओ इमाम कदी पानी मांग सकता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ चलिया मजे की गल तो यह दसा, नहरे फुरात तरसती रह गई सी, नहरे फुरात तरसती रह गई सी कि कदी हुसैन एक बारी सानू इशारा ते करे ना जे इस्माइल पाक एड़ियां जमीन ते रगड़न। साडे अकायद ने साडे वास्ते जरूरी नहीं है चीजां, ये उन्हां दी शान बयान करना, उन्हां दा हक बयान करना। इस्माइल पाक एड़ी रगड़न जमीन ते, की करन एड़ी रगड़न जमीन ते, पानी निकलिया कि नहीं बोलो ना, की उहदा जम अरबी च की आंदे ने ठहर रुक जा, पंजाबी च खलो जा, हुण ते बोलो यार है। जम जम नूं कहिंदे रुक जा खलो जा, ते हजरत जिस वक्त इस्माइल एड़ियां रगड़ियां ना, तो आप दी वालदा ने पानी अगे मिट्टी रखी है, जे मिट्टी रखन नाल फरमान जम 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 रुक जा, ना ना रुक दियां अज घर घर जम जम ही होना सी। एड़ियां दे बरकत है ते हुसैन हाथ चुक छड़दा पानी दी कादी कमी सी। अदरा तवज्जो तो अगली बात, दिन 10 दा होया ना मेरे इमाम दी अपनी शहादत दी वाकी आई, दिन जुम्मे दा टाइम, जुम्मे दा टाइम, जुम्मे दा हुन मेरा और तुहाडा साढ़े सारयां दा अकीदा एक यही और यही होना चाहिदा है। इमाम पाक ने अपना सर तन तो जुदा करवाया नमाज दी हालत च, इस वास्ते चलियो नमाज ना छड़े आजे, नमाज ना छड़े आजे, बेशक सर तन तो जुदा क्यों ना हो जाए। आओ अज़ीज़ा ने गिरामी, जिस वक्त 10 मुहर्रम दा दिन आया मेरे इमामे अली मकाम इमामे हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उन्हें मुहम्मद भी कुर्बान किए, कासिम बिन हसन भी कुर्बान किया, मेरे इमाम पाक ने अपने भाई अब्बास नूं भी शहीद करवाया। मेरे भाई मेरे इमामे अली मकाम इमामे हुसैन पाक ने
ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓ ਹੁਸੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਕਾਸਿਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਹਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀਵਾਰੀ ਆਈ, ਹੈਦਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹ ਖੂਨੇ ਰਸੂਲ ਏ, ਇਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ 40 ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਸ਼ਕਰ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਏ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਆਏ ਚ ਤਾਕਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਯਜ਼ੀਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਅਦਾਨ ਜੁਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਵਾ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਸੂਰਜ ਗਰੋਬ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਹੁਸੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਵਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਅਖਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਖੁਦ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਦਾਮਨ ਉੱਚੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਦਾਮਨ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਮਨ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਸੈਨੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ,
इमाम ने तस्बीहां बुलंद कीतियां, इधरों कमीना लानती जहन्नमी आया, उन्हें तलवार मारी, मेरे इमाम दा सर तन तो अलहदा कर छड़े आए, सर तन तो अलहदा करन तो बाद नेजा मंगवाया, नेजे दी नोक उत्ते ले आके मेरे इमाम इमामी आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे सर अनवर नु नेजे दी नोक ते उठाया गया है। जिस वक्त ते सर नेजे दी नोक दे उत्ते आया है, इन्हां खुशियां मनानियां शुरू कीतियां, अज ना कि नमाज पढ़न वाला रह गया है, अज ना कि कुरान दी तिलावत करन वाला रह गया है, अजे खुशियां मनान दी सोचन दे लगदे ने, इधर कुरान दी आवाज नेजे वाले सर विचों आ रही है, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिन अल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। दसवीं का गुजरिया, आपकी शहादत रात ग्यारहवीं दी आई, चाननी रात अद्धी रात का वेला होया, सैयदा ज़ैनब पाक ने देखा हजरत सैयदा सकीना नजर नहीं आ रही, मेरे इमाम दी शहजादी नजर नहीं आ रही। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब पाक ने खैमिया दे अंदर पर्दे दी हालत दे अंदर जाके देखा हजरत सैयदा सकीना नजर नहीं आ रही, हजरत सकीना नु लभदियां लभदियां मैदान करबला दे अंदर आईया। अज मेरे या तुहाडे घर दे विच इक लाश पई होवे, सारी रात घर वालियां नु सुकून नहीं आउंदा, नींदर नहीं आउंदी, अक्खियां बरसदियां रह जांदियां ने, हर घर दा पर्द रोंदा रह जांदा है। पास सदके जावा मेरे नबी दे घर वालियां तो, मेरे नबी दी नवासियां नवासियां तो लाशां दे ढेर लगे होए ने, लेकिन सबर दा दामन इंज दा पकड़िया होया है, ना चीखो पुकार कीती, ना जिस्म नु नोचिया है, ना कपड़े पाड़े ने, ना अपने वाला नु नोचिया है, सबर दा दामन पकड़ के दसिया है, जेड़ा साबर होवे ओ हुसैनी आउंदा है। सैयदा ज़ैनब पाक आईया मैदान करबला च, आपने देखा सैयदा सकीना पाक नजर नहीं आ रही, लभदियां लभदियां हजरत सैयदा ज़ैनब पाक जिस वक्त आईया अपने वीर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप जिस वक्त लाशा मुबारक से हजरत ज़ैनब पाक आईया, आपने आके की देखे आए, हजरत सकीना पाक अपने वालिद हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दे सीने ते लेटियां ने ते रो रही ने, रो रही ने, बाबा बोल के आंदा है, धीआ लई परदेस वे बाबल ते पुत्रा लई जागी रा चुप रहना यारो मुँह कुछ ना कहना धियां दिया तकदीरा मेरे इमामे अली मकाम इमाम दे लाशे तो उठाया सैयदा सकीना पाक नो उठा के आपने गोदी लिया ते खैमे दे अंदर लै गईया। सुबह यारह दा दिन तुलू होया है, इन्हां यजीदियां ने इन्हां सारियां बापड़दा लोकां नू इन्हां सारियां सरां नू उठाया है, तकरीबन 71 सर उठाए ने, नेदे दी नौक दे उत्ते उठा के सर ले जा रहे ने, 71 विचों 72 सर नाल कोई नहीं आया, क्योंकि 72वां जनाबे वाला शहादत पेश करन वाला हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो है। हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बगैर जनाबे वाला आप दा जिस्म सही सलामत वे, आप नो सही सलामत दफनाया गया है, हजरत हुर दा सर तन तो जुदा कोई नहीं कीता गया। 71 सर उठा के जिस वक्त जनाबे वाला वापस मदीना की तरफ रवाना होए ने, एक काफिला चलता आ रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप बीमारी दे हालत दे अंदर ने, आपने जनाब बीमारी दी हालत दे अंदर कैदी बनाया होया है। जिस वक्त मकामे कादसिया दे काफिला पहुंचे आए, मकामे कादसिया दे कोल एक औरत रहन वाली है, जिदा इको एक पुत्र वे, ओ भी बीमारी दी हालत दे अंदर वे। इस औरत ने जिस वक्त ऊंटा ते जनाब गल ऊंटा दे गलां दे अंदर तलियां खड़कन दी आवाज सुनी है, ए औरत अपने घर तो बाहर आई है, अपने घर तो बाहर आके उन्हां काफले वालियां दे कोल आई है, काफले वाले
ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਜ਼ੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋ ਤੀਜੇ ਕੋਲੋ ਚੌਥੇ ਕੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲਾਨਤ ਪਈ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬੋਲੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋਲ ਗਈ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਬੀਬ ਤੇ ਹਕੀਮ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਆਪ ਉਤਰੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੜਦੇ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ ਲਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾ ਜ਼ੇਜ਼ਾ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰੀ ਹੈ ਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ 10,000 ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦੱਸੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਈ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਏ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬੋਲੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਜਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਪੜਾ ਟਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਟਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੁੰਬ ਬੇਜ਼ਨਿਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਦੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਰ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਮੇ ਹਲਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ مقام حلب ایک یہودی ہے عیسائی ہے عیسائی اودی ایک بیٹی ہے تے اکھاں تو نبینی ہے اکھاں تو نبینی ہے حلب شہر تو قلعہ کہہ لو ویگا کہہ لو
इतने वक्फे दूर होना ना खजियां दा बाग है खजूरां दा। यजीद नू पैगाम पहुंचया बई मुसलमान तेरे ते करन लगे ने हमला, मुसलमान तेरे ते करन लगे ने, उन्हां सारे सर तुहाडे कोल खो लैणे ने ते तुहानू वी छड्डना, तुहानू छड्डना नहीं। जिस वक्त इन्हां सुनिया ते इन्हां की काम कीता, उह जिहड़ा हलब शहर दे नाल ही किला या विगा दूर बाग सी ना ईसाई दा, उहदे बाग जाके ना सारे सिर जमीन ते रख छड्डे। की कीता? उच्ची बोलो, जमीन ते रख छड्डे। जिस वक्त मेरे इमाम अली मकाम दे सिरे अनवर दी वारी आई, यजीद ने सर पकड़िया, नेजा पकड़िया, नीजा पकड़ के जरा खजूर दा दरख्त है ओदे नाल इंज सीधा करके खड़ा कर छड़िया। तवज्जो है मेरे इमाम दा सर मुबारक, जिस नेजे ते उस नेजे नु पकड़िया ते सीधा करके खड़ा कर छड़िया। मैं आख्या जेड़ा सर कट जान तो बाद, जेड़ा सर कट जान तो बाद सारियां विचों उच्चा होवे ओनू हुसैन आंदे। इमाम दा सर मुबारक इस वक्त उच्चा करके जनाब वाला रखे आ गया है। हुन यहूदी ईसाई अपनी बेटी नु पियांदा है, पुत्र मैं शहर तक चले आवा तेरे वास्ते कोई चीज लेके आवा, तू बाग दी रखवाली करनी है। बेटी बोल के आंदी है, बाबा मेनू नजर कुछ नहीं आंदा, मैं रखवाली कैवें करांगी। अब्बा बोल के आंदा है, पुत्रा तेनू नजर नहीं आंदा पर मेनू नजर भी आंदा है, मैं सुन भी लैंदा वा। अगर तेनू की आवाज आवे तो मेनू आवाज देनी है, तेरा बाप तेरिया अखां दे कोल आ जाएगा। बेटी नबीनी है अखां तो इनू बिठाया उस दरखत दे करीब बैठी है, जिस दरखत जिस खजूर दे जनाबे वाला तने दे कोल, दरखत दे कोल जिदे आसरे जिदे नाल मेरे इमाम दा सर मुबारक खड़ा कीता गया है। सर मुबारक खड़ा कीता गया है, बाप चला गया। कुछ देर तो बाद सर विचों आवाज आई, यासीन वल कुरान अल हकीम। मैं अपनी गुफ्तगु दा जिम्मेदार हां, परेशान होके नहीं सुनना, खुश होके सुनना है। कुरान दी आवाज आई। हुन ईसाइयां दा एक तरीका है, ओए कोई चंगी गल पल्ले पवे ना सुनन चाहवे कोई चंगी आवाज, पता की अंदर अल्लाह माफ अल्लाह कुछ लम्हे गुजरे फिर आवाज आई, वाला तकोलो लिमन यक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात। तो नबी नी ये बोल के आंदी है, लगदा चोर भी है, लगदा शहीद भी है, लगदा शहीद भी है। तीजी आवाज आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा'नकुम अर्रिज्सा अहलल बैते अहलल बैते व युतय्यिरकुम तत्हीरा। बच्ची बोल के आंदी है, सोनी आवाज वाले लगना है तू शहजादा, लगना है तू शहजादा, लगना है शहीद, लगना है। मेरे इमाम दी बारगाह च अर्ज कर दिए, सर मुबारक दी बारगाह च अर्ज कर दिए, तुसी मेनू ते शहीद भी लगते हो ते पाक घराने दी भी पै लगते हो, एक मेहरबानी फरमाओ मेरिया अखां दी रोशनी कोई नहीं रोशनी अता कर जाओ। मेरे इमाम पाक दे सर मुबारक च आवाज आई है, ऐ बेटी इस नेजे ते थले आ जा, अपनी अक नु आसमान वल, चेहरे नु आसमान वल कर। उस बेटी ने आके जिस वक्त चेहरा आसमान वल कीता है, एक खून दा कतरा मेरे इमाम दे सर मुबारक विचों निकले आए। शरीयत आंदी है, कुरान आंदा है, खून मेरा होवे या तुहाडा होवे खून पलीत होंदा है, खून मेरे कपड़िया नु मेरा लग जाए या तुहाडा लग जाए नमाज नहीं आउंदी, नमाज असी पढ़ नहीं सकदे।
मेरे इमामे आली मकाम दे सर मुबारक विचों खून निकले आए, खून दा कतरा निकले आए, ए खून पाक क्यों है? क्योंकि मेरे रब ने फरमाया पलीती कोलो हर बंदे ने बचना है, पलीती ने नबी दे घर वालियां कोलो बचना है। मेरे इमाम दे सर मुबारक विचो खून दा पहला कतरा निकलिया, बच्ची दी जिस वक्त अक दे अंदर गया है, बच्ची ने अंज अक नो बंद करके अक मसल दिए, अक मसल के अंज नो अक अक खोल के वेंदी है, नजर आ गया अक दी रोशनी वापस आ गई। अर्ज कर दिए वे सखी यार सखी घर वाला है, मेहरबानी फरमा इस अक दी भी रोशनी दे जा। मैं आख्या जेड़ा बगैर तन तो, जेड़ा बगैर तन तो अक्कां दी रोशनी वापस ले देवे ओनू हुसैन आख दे। बच्ची ने दूसरी बारी अक्कां आसमान वल कीतियां, सर आसमान वल कीता, खून दा कतरा निकलिया, बच्ची दी अख दे अंदर अख मसली, दोवें अक्कां दी रोशनी वापस आ गई है। जिस वक्त दोवें अक्कां दी रोशनी वापस आई है ते बच्ची भी बोल के आंदी है, ये नस्ल करीमो की लजपाल घराना। अंधेरे च बह के पढ़दा रहा है, किसी उस्ताद को रोशनी च बह के कुरान पढ़दा, तेनू कुरान दसदा ते उस्ताद दसदा, पुत्र पलीती को लोगां ने बचना है, पर पलीती ने हुजूर दी अहले बैत को बचना है। पर ये भी गल सीन च रख लै, उन्हां दे खून दी बरकत नाल नूर वापस आउंदा पिया है, जिन्हां दा घराना ही नूर नाल आनू। जिस वक्त बच्ची दियां अक्खां दा नूर वापस आया, दोनों अक्खां रोशन होईयां, इंज करके बाग दे अंदर नजर घुमा के मेरे इमाम दा सर मुबारक वेख दिए, ते जनाबे वाला नसीर मिल्लत बाबा जी नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जुबान नाल बोल के आंदी है, ये नस्ल जिन्हों फैज हुजूर दी औलाद दा आल तलब दा बंदा उच्ची आवाज नाल, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल लजपाल। बच्ची दियां अक्खां होईयां ना सही दौड़ी, हजरत सैयदा ज़ैनब पाक बैठियां सन, सैयदा आंसुआं दी लड़ियां सन, ते जाके ने अज करके बच्ची कोल बह के आंदी, बीबी रो ना, इत्थे एक मेरे कोल सखी आया है, बड़ा ही सखी है, तन कोई नहीं सर है, आमद नूं उहदे कोल लै चल, तेरे भी दुख मुक जाणगे। ते सैयदा ज़ैनब बोलियां फरमाया बेटी ए बेटी ओ जिदी तू भी गल करनी ओ मेरा ही ते वीर हुसैन है, ओ मेरा ही ते वीर हुसैन है। एक काफला चलिया ना, हजरत सैयदा सकीना पाक ना सवारी तो थल्ले डिगिया, सवारी तो थल्ले डिगिया, ते मेरे इमाम दा सर मुबारक ना जमीन ते तशरीफ लै इमाम हुसैन पाक दा। हुन काफला सवारियां टुरन ते सवारियां ना टुरन, सर आके चुकन तो किसी को सर ना चुकिया जाए, पर सीने च दिल लगा जे बोलो तो सही यार, साडे कोलो लाश नहीं चुकी जांदी पुत्र जवान दी, सर आके चुकन ना सर, मेरी इमाम दा सर ना चुकिया जाए, यजीदी इकट्ठे होके टिल ला बैठे सिर नहीं चुकिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलाया, कहन लगे रात दा अंधेरा सिर नहीं पेता हुंदा, मेरा इमाम बड़े ना जलाल च बोलिया, फरमाया सिर लान दा वाल आउंदा जे चुकन दा नहीं जी आउंदा,
ਐ ਸੀ ਨਾ ਇਮਾਮ ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਗਾਲਬਨ 40 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ 40 ਦਿਨ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ 40 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ 40 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ रहमत कितनी अनमोल है कितनी दुआवां मंगना है मुबारक रह के पलदी रह गई सीने ते रह के तुहाडा प्यार लैंदी रह गई मेरे इमामे आली मकाम दे जिस वक्त शहजादे ने सुनिया जाके हजरत सकीना पाक नू उठाया फिर हजरत इमामे आली मकाम दे सर मुबारक नू उठाया जिस वक्त जनाबे वाला एक काफिला मदीने दे अंदर आया दमिश्क विच आउंदे आउंदे अज सानू गल्लां ते आईयां इमाम पाक ने अपनी कुर्बानियां पेश कीतियां कुर्बानी पेश करन दा मकसद एक वे नाने दा दीन रह जावे या कुरान रह जावे या नमाज रह जावे अगर असि अपने आप नू हुसैनी बनाना चाहते हैं आ मेरे नौजवान आ मेरे बेली आया के मेरी बात पे अमल कर दा जा अज मैं भी कुरान का दामन काबू करके पकड़ लेना वा अज तू भी कुरान का दामन काबू करके पकड़ ले अज मैं भी नमाज का दामन पकड़ लेना वा तू भी नमाज का दामन पकड़ ले मेरे आका फरमाया कल कयामत नु कुरान भी सिफारिश करेगा मेरे आका फरमाया कल कयामत नु नमाज भी सिफारिश करेगी मेरे आका फरमाया कुरान की सिफारिश भी मनी जाएगी मेरे आका फरमाया नमाज की सिफारिश भी मनी जाएगी इन्होंने घराने वाले नाल प्यार करो हुज़ूर ने फरमाया मैं दो चीज़ां छड़ चले आवां एक कुरान छड़ चले आ एक अपनी अहले बैत छड़ चले आ जिहड़ा कुरान नाल प्यार करेगा ओदा भी बेड़ा पार हो जाएगा जिहड़ा मेरी अहले बैत नाल प्यार करेगा ओदा भी बेड़ा पार हो जाएगा आका करीम ने फरमाया अला व ममाता अला हुब्बि आलि मुहम्मद मा शहीदा दूसरी हदीस मुबारक मेरे आका फरमाया अला व ममाता अला हुब्बि आलि मुहम्मद माता मग़फूरा फरमाया जिहड़ा साडी अहले बैत दी मुहब्बत च दुनिया तो जाएगा कल कयामत नूं शहीदां दे सफ दे अंदर खड़ा कीता जाएगा दूसरी हदीस मुबारक फरमाया जिहड़ा साडी अहले बैत दी मुहब्बत च दुनिया तो जाएगा उस बंदे दी गरंटी असीं देने आ बख्शिया होया जाएगा तीसरी हदीस मुबारक फरमाया अला व ममाता अला हुब्बि आलि मुहम्मद माता मुमिना फरमाया जिहड़ा साडी अहले बैत दी मुहब्बत च दुनिया तो जाएगा ओदी गरंटी असीं दे जांदे आं बंदा पक्का मोमिन होके दुनिया तो जाएगा चौथी हदीस मुबारक च फरमाया अला व ममाता अला हुब्बि आलि मुहम्मद माता ताइबा फरमाया जिहड़ा साडी अहले बैत दी मुहब्बत च दुनिया तो जाएगा उस बंदे दी गरंटी भी असी दे देने ओ बंदा अपने गुनाहों तो पक्की तौबा करके तायब हो के दुनिया तो जाएगा पंजवीं हदीस मुबारक फरमाया अला व ममाता अला हुब्बि आलि मुहम्मद माता कद जाल अल्लाह ज़ियारत मलाइकातिर रहमा
फरमाया जिहड़ा साडी अहले बैत दी मुहब्बत दे अंदर दुनिया तो जाएगा अल्लाह ओदी कब्रे अनवर नो रहमत वाले फरिश्तियां वास्ते ओना दी ज़ियारत गा बना देवेगा। छेवीं हदीस मुबारक विच फरमाया अला व ममाता अला हो पियाले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमा। फरमाया जड़ा साड़ी अहले बैत दी मुहब्बत च दुनिया तां डर जाएगा गारंटी असी दे जाने ओ बंदा पक्का अहले सुन्नत वा जमात दे नाल होए। करके क्यों ना आखिए कि जनाबे वाला ए नस्ल करीमों की लजपाल ये नस्ल पता नहीं तुम्हारी आवाज किन्ने किन्ने नरते जाके सुननी है पता तो लगे हुजूर दी आल दी शान बड़ी मुहब्बत नाल पे पढ़ देने ये नस्ल शहजाद भी कैमरा घुमा के देखो केड़ा केड़ा बंदा नहीं पिया पढ़दा ये नस्ल करीमों की लजपाल ये नस्ल क्यों ना का आले नबी औलादे अली आले नबी औलादे अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने आले नबी औलादे अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने फिर आखना पवेगा कि ये नस्ल करीमों पाल घराना है ये नस्ल करी अल्लाह रब्बुल इज्जत दा शुक्र अदा करिया करो अल्लाह दा शुक्र अदा करिया करो अल्लाह ने सानू मुसलमान बनाया रब चांदा ते मूत्र पीने वाला भी पैदा कर सकता सी। हाँ जी जेडे सारी जिंदगी अन नाते ते अन मुन्ने ही मर जांदे ने रब चांदा ते सानू जनाब किसी ईसाई दे घर भी पैदा कर सकता सी। वो कादर है मुतलक है वो हर चीज से कादर है फिर इस तो अगली बड़ी बात अल्लाह ने मुसलमान भी बनाया हुजूर दा गुलाम भी बनाया शुक्र ना अदा करिए फिर उस तो बड़ी बात अल्लाह ने दर वालियां दा भी गुलाम बनाया ते घर वालियां दा भी गुलाम बनाया। किसी का जनाब मूह सिद्दीक पाक तो फिर आ किसी का उमर पाक तो किसी का उस्मान पाक तो किसी का अली पाक तो असी सुन्नी हो जिहड़ा सिद्दीक नूं भी मानने आ सदाकत दा बादशाह बने आ ते हुजूर दी निगाह दे नाल बने आ उमर पाक नूं भी मानने आ अदालत दा बादशाह बने आ ते मेरे आका दी निगाह दे नाल बने आ उस्मान पाक नूं भी मानने आ सखावत दा बादशाह बनया ते मेरे आका दी निगाह नाल बनया अली पाक नु भी मानने आ जिहड़ा शुजात दा बादशाह बनया ते मुहम्मद दी निगाह दे नाल बनया। सुनिया साडा इजाज है अपने किसे शायद तकबर ना कर ना मेनू अपने इलम ना अपने आप ते मान ना अपनी आवाज ते मान मैं जान ना अपनी औकात नु मेरे रब ने मेनू कितनी औकात च रखया है हर बंदा अपने गिरबान च वेखे दौलत किसे दे ना नहीं मैं कल तफसीर नईम च पढ़ रहा सा एक बंदा गुजरिया आखिरी बात बड़ी तवज्जो नाल हर बंदा बुढ़ा जवान मेरे ध्यान नाल सुनेगा तो बात समझ नूं आएगी। असीं अक्सर लोग साडी आदत है असीं गल पूरी सुणदे नहीं उन्हां अगों दी फड़ने ते भज पैंदे आ
गल सुनना नहीं पूरा की होया की गल एंड की शुरू की सी शुरू फड़िया तो दौड़ लाती कारी है कहता जी सानू वो अल्लाह माफ फरमाए तुहाडी मेहरबानी है मैं मिंबर से बह के बयाना वा ये गल नेट से जानी है तुहाडी मेहरबानी है तुसीं साडे जो उलमा नाल प्यार कर दे हो वगरना इस दौर च गल्लां नहीं रहियां और मैं भी गल तुहानूं मिंबर से बह के दस चलिया अल्लाह तुहानूं देवे दो दो सौ साल जिंदगी सारिआं नूं उच्ची आखो आमीन सेहत आफियत वाली तंदुरुस्ती वाली दो सौ साल सारे तुसीं वेखो इंशाअल्लाह आ वेखो जे तुसीं ईमान नूं तरसो ना ते मैनूं वी आखिआ जे ये आने वाला वक्त इतना जदीद इतना जनाब आ रहा है दीन तो दूर ने लोग दीन तो जब तुहाडे बच्चिआं दीन नहीं पढ़ना तो असा ही रहना मेरे को गरंटी है मैं सौ साल जीवांगा कल तक अगले साह का भरोसा नहीं है तुसां यकीन करो तुसीं इमाम वास्ते तरस ने मेरे हुजूर दी हदीस से नौ में जिम्मेदार आका फरमाए कुर्ब कयामत निशानी है कयामत दी फरमाए मैं साडे मिंबर ते बह के बांदर नचंगे बोलन पढ़न का पता कोई नहीं पुछन दसन का वल कोई नहीं मिंबर से खलोते ने रखिया कन्न ते हाथ ते जनाब जा छड़ना शाम नूं दसो पल्ले की तुहाडे सवाल करो तो जवाब नहीं आउंदा फेसबुक यूट्यूब ते व्हाट्सएप दे मुफ्ती ना बनो मुफ्ती बनना है ते मेरे करीम आका दे दीन दे बनो हाँ जी अल्लाह ने सानू इस दीन दी दौलत तो नवाजिया शुक्र अदा करिया करो यार अगली बात आखिरी तफसीर नईम मुफ्ती अहमद नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लिखे आपने बंदा पे जावे तो ने शेर दी खल पाई सी की चीज कादी शेर दी खल एक अल्लाह दा वली गुजरिया या उहदे कोल ओह गुजरिया या आपदे कोल ओह गुजरिया आपने फरमाया बेलिया खैर है बड़ा इंज करके पे टुरना है बड़ा आकड़ के टुरना खैर है जिल्द नंबर नौ च मैं कल पढ़ रहा सी मुतालिया करदा फरमाया खैर है आकड़े टुरना शेर की खल नहीं पाई बाबा जी शेर की खल नहीं पाई ओ बंदे हुण आ जुमला सुन दिल च थां दे समझी अल्लाह दा वली सी ना ते मेरे आका ने फरमाया ना मोमिन अल्लाह दे नूर नाल वेखदा है उहदे कोल बचो डरो जिस वक्त शेर की खल नहीं पाई वली बोलिया फरमाया ओ चलिया इहदा असली मालक कौन सी असली मालक कौन सी शेर फरमाया जे रब ने शेर दे जिस्म ते नहीं रहन दित्ती तू की शैम है गल समझ आई जी ओ फरमाया जेड़ा असल मालक है इस खल दा जिहदे जिस्म ते सी ओहदे जिस्म ते रब नहीं रहन दित्ती तू कादी अकड़ पिया करना ओए रब ओहदे जिस्म तो लाम ते कादर है ते तेरे जिस्म तो लाम ते भी कादर है रब तेनूं मैनूं दौलत इज्जत शोहरत दीन ते कादर ते लैने च भी कादर है हक बोल पूरा तौल डंडी ना मार बस ना दीन च ते जो अल्लाह ने अता किया अज तुहानूं पता साडे ते पूरे मुल्क दे अंदर सैलाब ही सैलाब है तुसां शुक्र ना नफल कदी आके मस्जिद ते पढ़िया सी बचे आ सिंध दे अंदर पंजी लख कितने पंजी लख लोग घरों बेघर हो गए बलोचिस्तान अंदर नफर पंजा लख घरों बेघर होए पए ने ऐसा डेरा गाजी खां मैं अगले दिन गया इधर पखर वाली साइड से उधर मैं अपनी अखा वेख के सैलाब नाल की हाल है पिछले जुम्मे की गल है मैं गया पखर दरिया खां की हाल है लोगों का सैलाब नाल लोग पानी से इंज तरते फिरते हैं जैसे कख तरते फिरते हैं पानी से बंदिया तू शुक्र नहीं कर सकता रब का तेनू रब ने बचाया है आपां की कीता नमाज नहीं पढ़ी जाती तो तरसते ने अल्लाह सुने सानू सुकी थां दे तेरी सजदे ते सारी जिंदगी गुजारी है तो फिर आके उन्होंने तो सुकी थां नहीं लभदी पई रोटी उन्होंने नहीं पी लभदी असी आकर के टुरने बड़ी जना मारका मारिया असा खुदा दे खौफ तो डर हुसैनी बन यजीदी किरदार ना अता अगर तू अपने आप को हुसैनी सदवाना है तो किरदार भी हुसैन दा अपना मेरे इमाम अली मकाम ने अपनी जिंदगी दे अंदर अगर दरवाजे तक साइल आया तो उन्होंने खाली नहीं मोड़िया अगर कभी नमाज का वक्त होया नमाज नहीं छोड़ी अगर कुरान की वारी आई तो कुरान नेजे की नोक से पढ़ के सुनाया ओ मैनू मनन वाले अगर हुसैनी बनना ही अपना किरदार
कलर भी हुसैनी बना, अपना इखलाक भी हुसैनी बना, अपना टोर टलैया भी हुसैनी बना, अपनी नमाजा नाल भी अपने आप नूं हुसैनी बना, कुरान भी इंज दा पढ़। लोग तेरा कुरान सुन के आखने वाके पत्ता हुसैनी पिया कुरान पढ़ता है। अल्लाह सुने जितने भी सिंध बलोचिस्तान या पंजाब दे अंदर सैलाब दी ज़द चाहे ने, अल्लाह उन्हां दी अपने गैब दे खजाने च इमदाद फरमा। अल्लाह साडे हुक्मराना नूं होश अता फरमा। अल्लाह इन्हां नूं भी उन्हां दा ख्याल करने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है इंशाअल्लाह जिंदगी रही। एडवांस दस दें आने वाला जुम्मा हजूर दे सहाबा दी अहले बैत नाल मुहब्बत ते अहले बैत दी हजूर दे सहाबा नाल मुहब्बत। हाँ जी, अपना अकीदा भी तो असा खुल के बयान करना है ना, आपां नूं की लगे किसे नाल असा अपना सीधा रख के बयान करना है। ते अल्लाह ने चाहिया आपे दिन दा दिन, चानन दा चानन ते नूर दा नूर हो जाना है। अल्लाह ने सानू सच्चा पक्का अकीदा अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह दुआ है सानू अल्लाह हमेशा अपने अकीदे ते अपने मसलक ते और अपने ईमान ते कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।